हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और एक और नए दिन की शुरुआत हो गई है। शावर वगैरह करके बिल्कुल फ्रेश है और आज का दिन स्टार्ट हो गया है। ब्रेकफास्ट हो चुका है अपना पहले ही। अब संतरे खाएंगे, धूप हल्की हल्की है तो संतरे खाने का अलग मज़ा है। बाकी आज का दिन कैसा जाता है आप इस व्लॉग में देखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों देखिए, सर्दियों के मौसम में संतरे का अलग मज़ा है। जैसे मैंने आपको बताया था, अभी ये दो संतरे अच्छा खाएंगे। फ्रूट होता है, विटामिन सी से भरपूर, जुकाम वगैरह आपको दूर रखेगा उससे। तो अब ये खाएंगे, उसके बाद लंच करेंगे। साथ में नो मेडिक इंडियन भाई का ब्लॉग देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया ब्लॉग लगता है मुझे उनका। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और बहुत जेन्युइन पर्सन है। कभी हुआ तो उनसे मिलूँगा अगर वो चाहेंगे तो। बाकी तो चलिए संतरे इन्जॉय करता हूँ, बाकी आपको आगे के ब्लॉग में देखने को मिलेगा आज का दिन कैसा जाता है। तो दोस्तों आज सुबह मैंने सोचा कि चलिए कुछ देख के आते हैं हिस्टोरिक। तो ये सादिक खां सलाबत खां का मकबरा है, ये आगरा में खंदारी चौराहे के पास है और आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रमाणित है। लेकिन देखिए ताला लगा हुआ है। आज मैंने सोचा था कि इसको देख के आऊँगा लेकिन अफसोस ताला लगा है। काफ़ी अच्छी इमारत है ये और करीबन 350-400 साल पुरानी इमारत है। 1600 या 1650 में इसको बनाया गया था। तो ये कुछ इसका एरिया है जहाँ पे ये लोकेटेड है। ये ट्रांसपोर्ट नगर और खंदारी के बिल्कुल बीच में पड़ता है। ये आप शायद पहचान सकते हैं जो लोग आगरा में रहते हैं। ये किरण मार्बल और जयराम मार्बल के बिल्कुल पास में ही है। ये देखिए काफ़ी रेस्टोरेशन वर्क इसमें हो चुका है। अब मैं सोच रहा हूँ कि किसी वीकडे में जाऊँगा, शायद ये खुला हुआ मुझको मिले, तब इसको हम देख के आएंगे। और ये देखिए, कहा जाता है इस इमारत में 64 खंभे बने हुए हैं और गार्डन भी इसका काफ़ी शानदार है। तो मैं अब देखता हूँ नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक देखूँगा, जब ये ओपन होगा तब यहाँ पे जाके थोड़ा सा वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा कि अंदर क्या कुछ है इसके। और अब वापस घर की तरफ। ये अपने आगरा की केंद्रीय हिंदी संस्थान की रोड है। ये जो गार्डन है ये उन्हीं का प्लेग्राउंड है और गार्डन है। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान बेसिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग हिंदी सीखना चाहते हैं, और पूरे भारत में ये इकलौता हिंदी संस्थान केंद्र है। पूरे भारत में इकलौता है ये। और काफ़ी फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं हिंदी सीखने के लिए। और इस तरफ काफ़ी ग्रीनरी है और ये रोड भी काफ़ी वाइड है। दोस्तों लंच का टाइम हो गया है। ये फिर से बथुए का रायता, पालक पनीर, चावल और साथ में ये जो आपकी हरी प्याज होती है उसकी सब्ज़ी और ये मूली। तो टाइम काफ़ी लेट हो गया आज, हम देखिए करीबन 2:30 बज रहा है, बट कोई बात नहीं। और खाने के साथ साथ हम एंजॉय करेंगे थोड़ा सा प्राइम वीडियो। अब मैं जा रहा हूँ संजय प्लेस। मेरा जो गेमिंग लैपटॉप है आसुस का, उसका एक टाइप सी पोर्ट नहीं चल रहा था और स्पीकर एक नहीं चल रहा था। तो मेरे पास कॉल आया है कि ये रिपेयर हो गया, आप आके कलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं कितना ठीक हुआ है, क्या पूरा ठीक हो भी गया है। तो ये कुछ देखिए MG रोड है आगरा की। जो लोग आ चुके हैं आगरा उनको याद होगा शायद। तो काफ़ी ट्रैफिक हो गया अब इस सिटी में भी। सामने ये आ गया है सुसदन का चौराहा। सामने आपको LIC की बिल्डिंग दिख रही है और इसी के सामने है अपना लैपटॉप का जो सेंटर है, उधर ही हमको जाना है। तो आज शनिवार है, हल्की सी भीड़ कम है संजय प्लेस में, नहीं तो इधर भी काफ़ी ट्रैफिक रहता है। तो गाइस यहाँ संजय प्लेस आ गए अपना लैपटॉप लेने। इतने टाइम से उसमें प्रॉब्लम चल रही है, उसका मदरबोर्ड चेंज हुआ है फिर से। दोस्तों संजय प्लेस गया था लैपटॉप लेने लेकिन टाइप सी पोर्ट फिर से नहीं चल रहा। डिलीवरी और सर्विस सेंटर पे बोल रहे थे कि हमने शाम को ही चेक किया है कल शाम को और आज खाली टेस्ट चलाए हैं, तो शाम तक सारे पोर्ट चल रहे थे। लेकिन जब डिलीवरी के टाइम हमने चेक किया तो एक पोर्ट फिर से नहीं चल रहा था, सेम सी पोर्ट। तो वापस से लैपटॉप वहीं पर छोड़ दिया है। सारी एडिटिंग आप जो देख रहे हैं आजकल जितने वीडियोज़ हैं, सब एडिटिंग इसी फ़ोन पर है। तो अब शाम को देखते हैं जिम जा पाते हैं कि नहीं, आपको अपडेट करते हैं। तो गाइस फाइनली जिम जा रहे हैं। आज सोचा था कि नहीं जाएंगे लेकिन अब जा रहे हैं, मोटिवेशन आ गया है। और आज फुल बॉडी वर्कआउट करेंगे, पहले थोड़ा वार्म अप करेंगे उसके बाद बाकी सारी एक्सरसाइज करेंगे। चलिए आपको जिम में दिखाते हैं बाकी कौन कौन सी एक्सरसाइज है। गाइस जिम में आ गए अपने, चलिए आपको जिम दिखाते हैं हम।
गाइस जिम अपना हो गया, फुल बॉडी एक्सरसाइज करी आज, काफ़ी अच्छा लग रहा है। करीबन 1.5 घंटा जिम करी है। अब हो गया घर जाने का टाइम, चलिए घर चलते हैं अब। तो गाइस रास्ते से हमने ले लिए गर्मा गर्म मूँगफलियाँ। सर्दी में अगर मूँगफली नहीं खाई तो क्या सर्दी आई। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बाय।